हेलो फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से हम बच्चों के लिए अमेजिंग होममेड चॉकलेट बनाते हैं, जिसमें हम मिल्की बार और डेरी मिल्क और ये ओरियो बिस्कुट को मिक्स करके होममेड चॉकलेट बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले ये दोनों चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, फटाफट से इसको मेल्ट कर लिया है। चॉकलेट कैसे मेल्ट करते हैं, कई सारे वीडियो में मैंने आप लोग को बताया, बहुत सिंपल तरीका है। दोनों चॉकलेट को अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। सबसे पहले डेरी मिल्क मेल्टेड चॉकलेट को हम इस मोल्ड पे फैला देंगे अच्छी तरह से, मोटी पतली जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपको टेस्ट पसंद है। देखिए दोस्तों, मेल्टेड चॉकलेट को अच्छी तरह से हमने इसमें मोल्ड में फैला दिया है, बढ़िया से कोने कोने में चारों तरफ से। अब इसको हम 5 मिनट के लिए फ्रिज होने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। जब तक हमारी चॉकलेट सेट हो रही है फ्रिज में, तब तक यहाँ पे मिल्की बार का मेल्टेड चॉकलेट है और यहाँ पे ओरियो बिस्कुट चॉकलेट फ्लेवर वाली जो क्रीम होती है, इसको क्रश करके रख लिया है। इसको हम इसमें डाल देते हैं। देने के बाद अब अच्छे से हम ये दोनों को मिला लेते हैं आपस में एक दूसरे में दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ओरियो बिस्कुट किस किस को पसंद है? मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है, और साथ ही साथ होममेड चॉकलेट की बात ही दूसरी होती है ना दोस्तों। इसे कैसे भी अपने तरीके से चॉकलेट बनाइए और सर्व कीजिए, मज़ा आ जाता है होममेड चॉकलेट की। कैसे भी आप इसे सजा के और अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। अच्छी तरह से ये मिल गई है, ये हमारी चॉकलेट भी बढ़िया तरह से सेट हो गई है, और ये जो मिला हुआ मिक्सरन है इसको हम सब पे स्प्रेड कर देते हैं बढ़िया से। इसको बढ़िया से हमने फैला लिया है, जो हमारा ओरियो बिस्किट और मिल्की बार का मिक्सरन था इसको बढ़िया से हमने फैला दिया है चारों तरफ। इसको भी हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ देते हैं दोस्तों। बढ़िया से ये सेट हो गई है, लेकिन ये अभी पूरी नहीं बनी है, इसको और हम डिलीशियस लुक देंगे। तो यहाँ पर मेल्टेड डेरी मिल्क है, ऊपर से अब हम इसको कोट करेंगे बढ़िया से, अच्छे से चारों तरफ हम इसको कोट कर देते हैं दोस्तों। तो ये बढ़िया से मैंने कोट कर दिया है चारों तरफ, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। सेट होने के बाद खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। छोटी मोटी चॉकलेट की रेसिपी मैं खासकर स्पेशली बच्चों के लिए लेके आती हूँ, तो बच्चे अपनी माँ से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी चॉकलेट की रेसिपी है आप लोग को आपकी मम्मी ज़रूर बना के दे, और टेस्टी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी रेसिपी लेके आऊँ। इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। 5 मिनट के बाद इसको निकाल लिया है, अच्छे से सेट हो गया है, अच्छे से ये डिमोल्ड हो जाएगा। देखिए मैं एक ही हाथ से कर रही हूँ, कोई परेशानी नहीं, बनाने में बहुत इजी है और खाने में सुपर सुपर डिलीशियस है ओरियो चॉकलेट होममेड चॉकलेट रेसिपी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी और चॉकलेटी रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों इसको हम लोग तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए ईजिली डिमोल्ड हो गया, कोई परेशानी नहीं है, ये देखिए। और मैं इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है होममेड ये ओरियो चॉकलेट रेसिपी। दोस्तों एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बच्चों से लेके बड़ों तक को पसंद आएगा, बच्चों के साथ इंजॉय कीजिएगा दोस्तों। खाने में बहुत ही सुपर सुपर यम्मी है, एक बार मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मैंने बड़ा बाइट ही खा लिया, बहुत प्यारा है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलती हूँ जब तक ऐसी प्यारी रेसिपी के साथ, चॉकलेटी रेसिपी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आवाज रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये प्यारी सी रेसिपी ट्राई करके अपनी इस प्यारी से दोस्त को याद करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।